हेलो भाई और बहनों नमस्कार। मैं प्रदीप, मैं आपको मेरे सदन इंडिया प्रदीप चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक लेके आता है बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप एक बार देखिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है बाप बेटा का रिश्ता। हाँ दोस्तों, मैं वो बोलने जाता हूँ, बाप बेटे का रिश्ता। बाप बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होता है, समुद्र से भी ज़्यादा गहरा होता है और पानी से भी ज़्यादा गहरा होता है। तो आप एक बार आपका दिमाग में ठान लीजिए। मेरे को 4 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, 4 मिनट टाइम दीजिए। 4 मिनट के अंदर में मैं आपको कुछ बाप बेटे का रिश्ते के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। ये दिमाग में मेरा आया और मेरे को ये क्लिक हुआ कि मैं आज बाप बेटे का रिश्ते के बारे में बताऊँगा। अभी माँ जो होता है, माँ के लिए बहुत सारा कविता लिखा गया है, माँ के लिए बहुत सारा बोला है, माँ के लिए बहुत कुछ लिखा है, मगर बाप के लिए कुछ नहीं लिखा है। तो बाप को, बाप जो होता है, फादर जो होता है, वो सबसे बड़ा होता है। ओके, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, उस बोलना चाहता हूँ, बोल के स्टार्ट करता हूँ। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी पितृपन ने दुष्यंत सर्वदेवता। हाँ दोस्तों, अपना पिता वो आपके ऊपर खुशी है, वो आपके ऊपर प्रसन्न है, तो आपको किधर भी पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे ही जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ, कभी भी अपना जो पिताजी है उनको असम्मान नहीं करना, उनको कभी भी सम्मान करना। और मेरा जो भी बेटा लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, और वो वीडियो को आपका फ्रेंड सर्कल तक घुमा के भेजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको फैलाइए, जो कि उनका अंदर में ये आना चाहिए कि अपना पापा के लिए कितना सम्मान रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा स्टोरी बोलना चाहता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अपने पापा और बेटा का रिश्ता क्या है। तो एक जगह में एक बार क्या हुआ, एक बेटा और उसका पापा थे। तो उसका जो छोटा बेटा था 10 साल का, वो 10 साल का बेटा, उसका ये मन में आया कि उसका पापा को पूछा कि पापा हम क्यों इतना गरीब हैं, अमीर कब बनेंगे। तो उसका पापा ये सोचे कि अभी अमीर नहीं बन सकते, तो मेरा बेटा को क्या आंसर देना है, क्या उत्तर देना है। तो वो यही सोचे और उसको बोले, बेटा तुम पहले से ही अमीर है। तो छोटा बेटा था, वो सभी भूल गया। फिर 1 साल गया, फिर बेटा का दिमाग में ये आया, क्लिक किया कि मैं पापा को फिर पूछूं। फिर वो अपना पापा को पूछा, पापा हम अमीर कब बनेंगे। तो उसका पापा का सेम उत्तर था जो पहले था, वो बोले कि जब तुम पहले से ही बच्चे से ही अमीर होके पैदा हुए हो। तो फिर 10 साल चला गया, उसका बेटा बड़ा हो गया और पूरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद फिर जब वो जॉब सर्च कर ले गया, जॉब उसको नहीं मिला, जिधर भी गया जॉब उसको नहीं मिला। 1 साल तक इधर उधर भटकता रहा। तो बाद में 1 साल के बाद छोटा कंपनी में उसको नौकरी मिल गया। तो नौकरी मिलने का दिन, जिस दिन उसको नौकरी मिला, उसी दिन उसका पिता आके उसका पास आके पूछे, बेटा अभी मेरे को ये बताओ, तुम अमीर है या गरीब है। तो बेटा को ये समझ में आ गया कि पहले जो उसका पापा बोले थे वो सही था। तो उसका पापा उसको ये बोले कि छोटे उम्र में तुमको बोला था तुम पैदा इसी अमीर हो, क्योंकि जब जो बेटा अमीर होता है वो दिमाग में और दिल में अमीर होता है। जो हमारे पास धन दौलत है, जो हमारे पास गाड़ी है बंगला है, वो लोग एक्चुअली धनी नहीं है, वो लोग एक्चुअली रिच नहीं है। जो रिच है वो एक्चुअली कौन रिच है, जो दिमाग में रिच है, जो अपना दिल के अंदर में रिच है, वो रिच है। वो आगे का जो उसका आगे जाने का जो उसका तरीका है और आगे जाने का उसका जो गोल है, वो गोल के लिए तुम आज सफलता तुमको मिला है। तो ये याद रखो, जो दिल के अंदर में उसका रहेगा कि मैं आगे जाके कुछ कर सकूँगा, वो चीज़ तुम्हारा अंदर में था, तो इसके लिए आज तुमको नौकरी मिला। तो तुमको पता चल गया अभी रिच कौन है और पुअर कौन है। तो दोस्तों, मैं आपको सभी को नमन करके ये बोलता हूँ कि आप लोग कभी भी अपना पिताजी को नीचे नहीं रखना, पिता को अपमान नहीं देना। और लास्ट में एक बात बोलता हूँ, जो भी आपका नाम है अभी आपका पिता के लिए ही है। आप जैसे कि आपका आपको कोई पूछता है तो किसका बेटा है बोल के, तो आपका पिता का नाम पहले आता है, और आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में उसका ऊपर आपका पिता का नाम रहता है। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, मेरे कंटेंट आपको कैसा लगा, मैं सोच रहा हूँ मेरा टॉपिक आपको दिल को छू गया होगा। तो आपको कुछ कमेंट करना है तो नीचे मेरा जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए। और आज मेरा टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।